हेलो सभी को नमस्कार, और मेरा नाम है श्री रैमी। बेसिकली मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से फिल्म मेकर हूँ। मुझे एज एन क्रिएटिव प्रोड्यूसर, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर प्रोड्यूसर इस नाम से जाना जाता है। ज़्यादा करके हम पर्दे के पीछे ही रहते हैं। जीवन की शुरुआत 2003 से की थी, और मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग शुरू की। फिर एक्टिंग के बाद मैं बहुत जल्दी पर्दे के पीछे शिफ्ट हो गया, जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, और 2014-15 के बाद मैं एज एन एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट में चला गया, जिससे वास्तविक फिल्में बनती है, जहाँ से फिल्मों का शुरुआत होता है और जिसे पूरी फिल्मों के बारे में पता चलता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कौन से कंट्री में शूट होना चाहिए, सारी चीज़ जो पूरे जो डिटेलिंग उसके बारे में रहता है। और ये अवार्ड अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भी इंसान बॉलीवुड में आते हैं अपना एक सपना लेकर आते हैं कि एक ड्रीम को अचीव करने के लिए, और ये अवार्ड उसी को सम्मानित है, महाराष्ट्र ड्रीम अचीवर अवार्ड। तो कहीं ना कहीं हम जो सपना लेकर बॉलीवुड में आए थे, आज कहीं ना कहीं ये अवार्ड पाने के बाद एक ताकत मिली, एक ऊर्जा मिला है और एक एनर्जी मिला है इससे। जब मुझे इसके बारे में अनाउंसमेंट आया, तो जब अवार्ड्स का टाइटल देखे मैं बहुत खुश हुआ, और इसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि बेसिकली मैंने जो पिछले 20 सालों में जो इंडस्ट्री में काम किया है उसके बारे में मुझे अवार्ड मिला है। बेसिकली कोई पर्टिकुलर एक पिक्चर के लिए नहीं मिला है, मैं मोर देन 110 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुका हूँ, जो ए ग्रेड की फिल्में हैं या ए प्लस ग्रेड की फिल्में हैं। अब नाम लूँगा बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो पिछले 20 सालों में जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे अवार्ड मिला है। और जब मुझे इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, स्नेहा इवेंट एंड मैनेजमेंट के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, विष्णु मिश्रा जी, जब उनका कॉल आया कि सर आपको नॉमिनेट किया है अवार्ड के लिए, आप आइए, तो मैं बहुत खुश हुआ कि इसका टाइटल देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई एक्चुअली, और अवार्ड मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। मुझे एक्चुअली लास्ट मैंने ही 18 मार्च को इफ्टा अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उसमें भी बेस्ट यंग फिल्म प्रोड्यूसर के लिए मुझे सम्मानित किया गया था, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए भी। जन्नत और जन्नत टू में बेसिकली मैं महेश भट्ट साहब के साथ काम कर चुका था, तो मैंने विशेष फिल्म में कुछ 18-20 फिल्मों में काम किया है, पर्दे के आगे पर्दे के पीछे बहुत सारे काम किए, उसमें से जन्नत भी मेरा वही एक पार्ट है। और जब जब मैं विशेष फिल्म में जुड़ा हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत यादगार दिन है वो। 2012 आशिकी टू मेरी लास्ट फिल्म थी वहाँ पे। उसके बाद मैं इंडिपेंडेंटली बाहर फ्रीलांसिंग में निकल गया, तो वहाँ मैं दोबारा नहीं जुड़ पाया हूँ, लेकिन भविष्य में मौका मिलेगा फिर ज़रूर काम करेंगे। बेसिकली यहाँ तक आए थे कुछ एक्टिंग की सोच कर आए थे कि जीवन में बहुत बड़ा एक सुपरस्टार बनेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि सुपरस्टार बनने के बहुत सारे मायने हैं, तो बस उस मायनों को थोड़ा सा चेंज किया है। पर्दे के आगे नहीं, पर्दे के पीछे रहते हुए अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हमें लोग जाने जीवन में। ऑडियंस को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप एक दिन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं, एक एक बूंद से भी बाल्टी एक मिनट में नहीं भर सकती है, वैसे ही आपका सक्सेस है। आप काम करते जाइए, काम करते जाइए, तो डेफिनेटली आपको एक दिन ऐसा अचीवमेंट मिलेगा। जैसे मैंने कहा, एक एक बूंद से भी बाल्टी भरती, वैसे आपके एक एक काम से आपको ऐसे अचीवमेंट अवार्ड और ऐसे अचीवर अवार्ड मिलेंगे, जिससे कि आपको शॉर्टकट नहीं लेना है, सीढ़ियाँ चल के आपको छत तक जाना है, जिसमें आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।